अक्षय या आंवला नवमी का पर्व कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन मनाया जाता है। यह पर्व देव उठनी एकादशी से दो दिन पूर्व मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय नवमी के दिन ही सत्ययुग का आरंभ हुआ था। अक्षय नवमी को सत्य युगादि के नाम से भी जाना जाता है तथा यह दिन समस्त प्रकार के दान पुण्य संबंधित कार्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसा कि अक्षय नाम से पता चलता है, इस दिन कोई भी दान या भक्ति संबंधी कार्य करने से उसका पुण्यफल कभी कम नहीं होता तथा व्यक्ति को न केवल इस जन्म में अपितु आगामी जन्मों में भी उसका पुण्यफल प्राप्त होता है। अक्षय नवमी का दिन भी अक्षय तृतीया के समान ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। अक्षय तृतीया त्रेता युगादि है एवं अक्षय नवमी सत्य युगादि है। अक्षय तृतीया के दिन ही चार युगों में से एक त्रेता युग का आरंभ हुआ था। अक्षय नवमी के शुभ अवसर पर मथुरा वृंदावन की परिक्रमा का अत्यधिक महत्व है। सत्य युगादि के पावन दिन पर अक्षय पुण्य अर्जित करने हेतु हजारों भक्त मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। अक्षय नवमी का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय या आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ से अमृत की बूंदें टपकती हैं, जो सेहत के लिए उत्तम मानी जाती है। इस वजह से लोग उस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठते हैं और पूजा करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करने से कष्ट दूर होंगे और मनोकामनाएं पूरी होंगी। यही त्योहार पश्चिम बंगाल में जगद्धात्री पूजा के रूप में मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत सत्ता की देवी जगद्धात्री की पूजा की जाती। अक्षय नवमी के संबंध में पौराणिक कथा है कि दक्षिण में स्थित विष्णुकांची राज्य के राजा जयसिंह थे। इनके इकलौते पुत्र का नाम मुकुंद देव था। एक बार जंगल में शिकार खेलने के दौरान राजकुमार मुकुंद देव की नजर व्यापारी कनकाधिप की पुत्री किशोरी पर पड़ी। मुकुंद देव उसे देखते ही मोहित हो गए और उससे विवाह की इच्छा प्रकट की। राजकुमार को किशोरी ने बताया कि उसके भाग्य में पति का सुख नहीं है। किशोरी को ज्योतिषी ने कहा है कि विवाह मंडप में बिजली गिरने से उसके वर की तत्काल मृत्यु हो जाएगी, लेकिन मुकुंद देव विवाह के प्रस्ताव पर अडिग रहे। मुकुंद देव ने अपने आराध्य देव सूर्य और किशोरी ने भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर ने किशोरी से भी सूर्य की आराधना करने को कहा। भोले शंकर की कहे अनुसार किशोरी गंगा तट पर सूर्य आराधना करने लगी। तभी विलोपी नामक दैत्य किशोरी पर झपटा। ये देख सूर्य देव ने उसे वहीं भस्म कर दिया। किशोरी की आराधना से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने किशोरी से कहा कि कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवले के वृक्ष के नीचे विवाह मंडप बनाकर मुकुंद देव से विवाह कर लो। भगवान सूर्य के कहे अनुसार दोनों ने मिलकर मंडप बनाया। एकदम से बादल घिर आए और बिजली चमकने लगी। जैसे ही आकाश से बिजली मंडप की ओर गिरने लगी, आंवले के वृक्ष ने उसे रोक लिया। इसके बाद से ही आंवले के वृक्ष की पूजा की जाने लगी।